बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट कालखंड में संघ प्रोटोजोआ से लेकर संघ इकायोडर्मेटा तक का अध्ययन किया। संघ प्रोटोजोआ से संघ इकायोडर्मेटा ये जो हम पढ़े इनको हम नॉन कार्डेट्स कहते हैं, अकशेरुक जंतु। इनमें जो है नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है किसी भी अवस्था में, इसलिए इनको हम नॉन वर्टिब्रेट्स या अकशेरुक जंतु कहते हैं। आज जो हमारा विषय है, आज जो हम पढ़ेंगे संघ का डेटा। संघ का डेटा, संघ का डेटा एक बहुत बड़ा संघ है जिसमें बहुत सारे जीव आते हैं। संघ का डेटा के अंतर्गत जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, जीवन के किसी न किसी अवस्था में इनमें तंत्रिका रज्जु जिसको हम नर्व कार्ड कहते हैं और पृष्ठ रज्जु जिसको हम नोटोकार्ड कहते हैं। तंत्रिका रज्जु और पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु और पृष्ठ रज्जु जो होता है ये दोनों जो है जीव के किसी न किसी काल में किसी न किसी अवस्थाओं में, काल की जो अवस्था होती है इनमें अवश्य पाया जाता है, इसलिए इन जीवों को हम संघ का डेटा में रखते हैं। संघ का डेटा चूंकि बहुत बड़ा संघ है जिसकी स्थापना सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं वेलफोर ने किया था। इसकी बहुत सारी जातियां ज्ञात हैं। इसकी लगभग देखिए वर्तमान में भी इसका 55,000 इनकी प्रजातियां ज्ञात हैं और बहुत सारी प्रजाति जो है विलुप्त हो गए हैं, जिसमें से लगभग 25,000 के आसपास जो प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो गए हैं। तो आज हम संघ का डेटा के जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर संघ का डेटा के मुख्य लक्षण देखते हैं, इस संघ में आने वाले जीवों के जो मुख्य लक्षण होता है कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति। पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, जैसा कि मैं आपको बताया कि जीवन के किसी न किसी काल में जो है पृष्ठ रज्जु जो है पाई जाती है। ये जो पृष्ठ रज्जु होता है पूरी लंबाई में एक कठोर क्षण के समान पूरी बॉडी में फैली होती है। यह आहार नाल और मेरु रज्जु के बीच पाया जाता है। ये जो आपका पृष्ठ रज्जु होता है ये आहार नाल और मेरु रज्जु के बीच में एक क्षण के समान लंबी संरचना होती है। विषित अवस्था में रहता है ये। शुरुआत अवस्था में जो है क्षण के रूप में रहता है, लेकिन बाद में जब विकसित अवस्था हो जाती है उस समय ये कशेरुक दंड में जो है ये रूपांतरित हो जाता है, चेंज हो जाता है। यही जो पृष्ठ रज्जु होता है विकसित जीवों में ये कशेरुक दंड में जो है बदल जाता है। अगर दूसरे प्रकार का देखते हैं तो नालाकार केंद्रीय तंत्र की उपस्थिति। केंद्रीय तंत्र की उपस्थिति, ये दूसरी विशेषता होती है जिसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, एक खोखली नली के रूप में रहता है। शुरुआत अवस्था में जो ब्रेन होता है या तंत्रिका तंत्र जो होता है ये खोखली नली के रूप में रहता है और ये पृष्ठ रज्जु के ऊपर पाई जाती है।
इनकी गुहा को बीच में एक गुहा बनाता है, इसी गुहा को हम कहते हैं न्यूरोसील गुहा। ये नली जो होता है बीच में एक गुहा का निर्माण करता है, इस गुहा को न्यूरोसील गुहा कहते हैं, और जो नली बनता है इसी नली को हम कहते हैं तंत्रिका रज्जू। ठीक है, जो नली होता है इसी नली को हम कहते हैं तंत्रिका रज्जू। यही तंत्रिका रज्जू जो होता है, ये जो नली का होती है, ये आगे की ओर बढ़कर, खासकर विकसित जीवों में आगे की ओर बढ़कर जो है ये विकसित ब्रेन का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, तो इनमें जो ग्रसनी और जो क्लोन दरार होता है, इनकी उपस्थिति, ग्रसनी या क्लोम दरार जो होता है, दरार की उपस्थिति, इन जीवों में ग्रसनी और क्लोम दरार पाए जाते हैं। आहारनाल के अगले भाग पर, जो आहारनाल होता है उसके अगले भाग पर जो होता है युगल छिद्र के रूप में ये पाए जाते हैं। जो क्लोम दरारें होती हैं, छिद्र होता है युगल छिद्र, अर्थात दो छिद्र के रूप में आहारनाल के सामने ये पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो है ग्रसनी जो है वो बाहर को खुलती है ना, इन्हीं के माध्यम से जो है ग्रसनी शरीर से बाहर ओपन होती है, बाहर खुलती है। बाद में यही जो क्लोम दरार होता है, जैसे मछली होता है, मछलियों में गलफड़ा बन जाता है, ठीक है, यही क्लोम दरार जो होता है मछलियों में विकसित होकर जो है ये गलफड़े का निर्माण करता है, और खासकर जो स्थली जंतु होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, इनमें जो होता है ये यही क्लोन दरार जो होता है वो अंताश्रावी ग्रंथियों में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि आपका शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है, अदर सतह पर जो है थैली के समान हृदय आवरण पाया जाता है, इसके अंदर जो है अविकसित या विकसित प्रकार का हृदय पाई जाती है, हृदय आवरण के अंदर बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, इन जीवों की विशेषता होती है कि इनमें जो होता है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, ब्लड लाल होता है, अंतः कंकाल जो देखते हैं तो अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थि या उपास्थि का बना होता है। ये कुछ कॉमन करेक्टर्स हैं संघ कॉर्डेटा के। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो संघ कॉर्डेटा को पहले दो समूह बांटा गया है, ग्रुप जो बोलते हैं, दो समूह बांटा गया है। पहला समूह है एक क्रेनिएटा, और दूसरा समूह है क्रेनिएटा। इसको दो अलग अलग समूह में, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है आपका ए क्रेनिएटा और दूसरा ग्रुप है आपका क्रेनिएटा। अब दोनों ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपका ए क्रेनिएटा। ग्रुप या समूह ए क्रेनिएटा, इस समूह में जितने भी जीव आते हैं, इनमें क्रेनियम बॉक्स, इसको मस्तिष्क बॉक्स कहते हैं, कपाल, जबड़े, कशेरुक दंड या फिर पेयर्स में उपांग, जोड़ीदार उपांग, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ये अविशिष्ट प्रकार के कॉर्डेट्स हैं, ठीक है।
इनको हम निम्न श्रेणी के कार्योटा कहते हैं, जिसको हम प्रोटोकार्योटा के नाम से भी जानते हैं, प्रोटोकार्योटा। इनमें बहुत सारे अंग जो है नहीं पाए जाते हैं, अब होते भी हैं तो अभिहित प्रकार के, तो इनको हम कहते हैं प्रोटोकार्डेट्स या प्रोटोकार्डेटा। समूह एक रेनेटा को दो उपसंग में, हम सब खालम कहते हैं, उपसंग में बांटा गया है। सबसे पहला देखिए उपसंग संघ का छोटा भाग होता है उपसंग, है ना, तो इसको हम दो उपसंग बांटते हैं। सबसे पहला संघ है उपसंघ है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा उपसंघ यूरोकार्डेटा। अब इसकी जो है लक्षण क्या है, संघ उपसंघ यूरोकार्डेटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी समुद्री हैं, समुद्र में निवास करते हैं। शरीर के चारों तरफ जो होता है कठोर कवच पाया जाता है, इसको हम ट्यूनिक कहते हैं, ट्यूनिक जो है श्रवित करते हैं और एक शरीर के बाहर तरफ जो है कठोर आवरण का निर्माण करते हैं। कुछ जो है जीवन पर्यंत जो है लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं, ये जीवन पर्यंत जो है लार्वा की तरह जो है जीवन यापन करते हैं। प्राण में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, जो नोटोकार्ड्स होता है शुरुआत अवस्था में नोटोकार्ड तो पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यस्क हो जाता है वैसे वैसे इनमें नोटोकार्ड जो है समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाती है। हृदय देखते हैं तो हृदय जो होता है नालाकार होता है, नली के समान होता है, इस प्रकार से नली समान होता है, नालाकार हृदय पाया जाता है। इनमें जो हार्ट बीटिंग होती है अर्थात हृदय का धड़कना जो होता है, ये दोनों दिशाओं में होता है, कभी इधर धड़कता है तो कभी इधर धड़कता है, ठीक है। हृदय का धड़कना जो होता है बारी बारी से दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। इनमें गिल छिद्र जो है पाया जाता है, गिल जो परचर होता है इनमें गिल छिद्र जो है पाया जाता है, ये है इनकी विशेषताएं। अब यूरोकार्डेटा उपसंग यूरोकार्डेटा को तीन क्लास में, तीन वर्ग, क्लास मतलब वर्ग होता है, तीन वर्ग में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला है लार्वेशिया, वर्ग ये क्लास है, ये उपसंग यूरोकार्डेटा को तीन वर्ग बांटते हैं। सबसे पहला वर्ग है आपका लार्वेशिया, तो लार्वेशिया के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वे भी सभी समुद्री हैं, सभी समुद्र में निवास करते हैं। ये लार्वा के समान जीव हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया लार्वेशिया। कवच इनके अंदर जो होता है, शरीर के बाहर सतह पर जो कवच होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी कवच पाई जाती है, दो गिल्स पाए जाते हैं, उभयलिंगी जीव है अर्थात मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जो प्रजनन अंग होते हैं वो एक ही जीव के अंदर पाया जाता है। आहार नाल जो होता है इनके अंदर में, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू के आकार का होता है, यू आकार का आहार नाल इनमें पाई जाती है। इस वर्ग के जीव जैसे आपका आइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया, ये इस वर्ग के जीव हैं, इसी वर्ग में आते हैं। दूसरे प्रकार के जो वर्ग है, वर्ग है थैलिएशिया, थैलिएशिया ये दूसरा वर्ग है उपसंग यूरोकार्डेटा का। इस वर्ग में भी जितने भी जीव आते हैं वो सब समुद्री हैं, सब समुद्र में निवास करते हैं। इनमें भी जो है कवच अस्थायी होता है, छिद्र पाए जाते हैं, बाकी ये भी जो है अवस्थित प्रकार के जीव हैं। इस वर्ग में जैसे देखते हैं जीव, जैसे आपका डोलियोलम या फिर सेल्पा, ये जीवों का नाम है, ये इसी वर्ग के सदस्य हैं, ठीक है।
नंबर तीसरा वर्ग है एसिडिएसिया, एसिडिएसिया ये नंबर तीसरा वर्ग है एसिडिएसिया। ये भी समुद्री होते हैं, इनकी भी समस्त प्रजाति जो होता है वो समुद्री होता है। यही एक वर्ग है जिसमें पाए जाने वाले जीव ये चट्टानों से चिपके हुए मिलते हैं। इनकी जो प्रजाति होती है इस संघ में या इस वर्ग में जो जीव आते हैं ये प्रायः चट्टानों से चिपके हुए मिलते हैं। कवच चारों तरफ जो है कवच पाया जाता है इनके अंदर भी, और कवच में कंटिकाएं पाई जाती है, ठीक है। बाकी दो वर्ग में से नहीं होता है। इस वर्ग के जीव में कवच में जो है कंटिकाएं पाई जाती है, और गिल्स में स्लेट्स, गिल स्लेट्स जो है इनमें पाई जाती है। जैसे आपका हार्डमानिया है, सियोना है ना, हार्डमानिया और सियोना ये जो जंतु हैं ये इसी वर्ग के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से यूरोकार्डेटा को तीन वर्ग में बांटा गया है। दूसरा जो उपसंघ है सब फाइलम है। दूसरा उपसंघ है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा उपसंघ है ना, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा। इस संघ में भी जितने भी जीव आते हैं वो सभी समुद्री होते हैं। नोटोकार्ड तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, और जो तंत्रिका रज्जु होता है ये पूरी लंबाई में, शरीर के पूरी लंबाई में फैली होती है। गिल छिद्र में भी पाया जाता है। बाह्य कंकाल या हृदय इनमें नहीं पाया जाता है। रुधिर जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं सिफेलोकार्डेट जीव का। इस उपसंघ को सिर्फ एक ही वर्ग माटा गया है, इसका सिर्फ एक ही वर्ग है इसका, इसको बोलते हैं लेप्टोकार्डी, लेप्टोकार्डी वर्ग। लेप्टोकार्डी में प्राण अवस्था में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, अर्थात सिर्फ इसके प्रिमिटिव अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। जैसे जैसे जो है ये व्यस्त हो जाता है वैसे इनमें नोटोकार्ड जो है वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपका एम्फीऑक्सस है, ठीक है, एमिमेट्रॉन है, ये जो जीव हैं एम्फीऑक्सस एमिमेट्रॉन ये सारे जो है लेप्टोकार्डी वर्ग के सदस्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसंग यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दो उपसंग में बांटा गया है। किसको? समूह एक्रेनेटा को, ठीक है। समूह एक्रेनेटा को दो उपसंग यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा में डिवाइड किया गया है। अब दूसरा उपसंघ है, सॉरी समूह है क्रेनिएटा, समूह क्रेनिएटा। इसी को हम वास्तविक वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा, ठीक है, ये वास्तविक वर्टिब्रेट्स है। जो एक रेनेट था इसको हम वास्तविक वर्टिब्रेट नहीं कहते। जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं ये वास्तविक वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। उनमें नोटोकार्ड्स तो होता है लेकिन वो प्रिमिटिव अवस्था में पाया जाता है, जबकि इनमें जो है जीवन पर्यंत पाया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वास्तविक वर्टिब्रेटा। इसमें जो विशेषता होती है समूह क्रेनेटा की, जो विशेषता होती है, जो करेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इनमें गिल छिद्र पाया जाता है,
मस्तिष्क भाग शोषित होता है, उसके अंदर ब्रेन पाई जाती है, और जो नोटोकॉर्ड है प्रारंभिक अवस्था में जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यही नोटोकॉर्ड जब जीव व्यस्त हो जाता है तब ये जो है वर्टिबल कॉलम जिसको कशेरुक दंड कहते हैं, कशेरुक दंड में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जबकि जो एक रेनेटा में ये जो आपका नोटोकॉर्ड है वो जीवन पर्यंत या फिर सिर्फ प्रिमिटिव कॉल में शुरुआती अवस्था में पाया जाता था, बाद में जो है ये लुप्त हो जाता था, जबकि समूह क्रेनेटा में ये जो नोटोकार्ड है बाद में यही वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड में बदल जाता है। ग्रुप क्रेनेटा को दो उपसंग बांटा गया है, सब फाइलम ठीक है, उपसंग अर्थात सब फाइलम ग्रुप क्रेनेटा को दो उपसंग बांटा गया है। जो सबसे पहला उपसंग है इसको बोलते हैं एग्नेथा, उपसंग एग्नेथा। इसकी विशेषता देखते हैं तो एग्नेथा संघ में आने वाले जो जीव हैं उनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, उपांग जोड़े में नहीं पाए जाते हैं, नोटोकार्ड जो है जीवन पर्यंत होता है, क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता भी है नोटोकार्ड जो होता है वो जीवन पर्यंत पाया जाता है। अब इसको उपसंग एग्नेथा को जो है वर्ग माटा गया है, क्लास में नंबर पहला वर्ग है आपका ऑस्टियोडर्मेटा डर्माई, ऑस्टियोडर्माई ये पहला वर्ग है ऑस्टियोडर्माई। इस वर्ग के जंतु जो है एक विशेषता होती है, ये छोटे आकार के होते हैं, तर्क रूपी होते हैं, सिर सिल्क और कंटक युक्त होता है। ठीक है, इनके सिर में जो है सल्क और कंटक पाए जाते हैं, सिर पर दो नेत्र होता है, दो नेत्र पाए जाते हैं सिर पर, गिल्स की संख्या लगभग 2 से लेकर 10 तक हो सकता है, और ये विलुप्त प्राणी है। अब जो है इनकी कोई भी प्रजाति जीव है जीवित नहीं है, जैसा सिफेलो स्पेस जीव का नाम है सिफेलो स्पेस, ये इसी वर्ग का जंतु है। तो उपसंग एग्नेथा का पहला आपका श्लो डर्माई, दूसरा जो वर्ग है इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा ये उपसंग एग्नेथा का एक दूसरा वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग में जो जंतु आते हैं वो शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, मुख जो है चूसक प्रकृति का होता है, हृदय दो कक्षी होता है, दो कोष्ठ में बटा होता है, एक अलिंद और एक निलय, त्वचा जो है चिकनी होती है, शल्कविहीन होते हैं, सिर में एक ही नासा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, सिर में जो है एक ही नासा छिद्र पाया जाता है। इनमें जो गिल कोष्ठ होते हैं लगभग इनकी संख्या जो होती है 6 से 15 के आसपास होता है इनमें, और ये जो है
पैरासाइटिक है, परजीवी है। इस वर्ग में जो जीव आता है साइक्लोस्टोमेटा का, पेट्रोमाइजान, मिक्सिस, ये जो जीव हैं ये इसी वर्ग के सदस्य हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं उपसंग। दूसरा उपसंग है आपका ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा ये दूसरा उपसंग है, उपसंग ग्नेथोस्टोमेटा। इनको हम जबड़ा युक्त कशेरुक कहते हैं। इन कशेरुक प्राणियों में जो है सुविकसित जबड़ा पाया जाता है। ठीक है, जबड़ा वाले प्राणी। इनकी विशेषता देखते हैं तो इनमें विशिष्ट प्रकार के जबड़े, जो जाव होता है वो विशिष्ट प्रकार के पाए जाते हैं। उपांग जो होता है वो जोड़े में पाए जाते हैं। नोटोकार्ड्स शुरुआत अवस्था में, ये नोटोकार्ड अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे जैसे जीव जो है वो प्रौढ़ होता है, वयस्क होता है, यही नोटोकार्ड जो है कशेरुक दंड में बदल जाता है, वर्टिकल कॉलम में ये चेंज हो जाता है। उपसंग ग्नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग इसको किसको बोलते हैं अधिवर्ग, मतलब इसको बोलते हैं सुपर क्लास। वर्ग से बड़ा होता है, ठीक है, वर्ग से बड़ा होता है अधिवर्ग। तो संघ उपसंग ग्नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग या सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अधिवर्ग है आपका पीसीज। अधिवर्ग पीसीज। पीसीज जो सुपर क्लास है, इस वर्ग में जो जीव आते हैं वो इस सल्की त्वचा वाले, शरीर पर जो है सल्की त्वचा पाया जाता है। ये शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। इनमें वास्तविक गिल्स पाया जाता है। भुजाएं के स्थान पर जो है पंख पाए जाते हैं। ठीक है, भुजाओं के स्थान पर जो है इनमें जोड़ीदार पंख पाया जाता है। हृदय जो है दो कोष्ठी होता है, एक अलिंद और दूसरा निलय। इन हृदयों में जो है अशुद्ध रक्त भरा होता है। इनके हृदयों में जो है अशुद्ध रक्त भरा होता है। शरीर के पार्श्व में, पूरी लंबाई में, पार्श्व रेखा पर, शरीर के पार्श्व में, पार्श्व रेखा पर पूरी लंबाई में विशिष्ट प्रकार के ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, लगी होती हैं। ठीक है, पार्श्व रेखा पर जो है पूरी लंबाई में जो होता है विशिष्ट प्रकार की इनमें ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। अब सुपर क्लास या अधिवर्ग पीसीज को हम इसको चार वर्ग में डिवाइड किए, चार वर्गों में बांटते हैं। वर्ग मतलब क्लास, चार क्लास में या चार वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो वर्ग है आपका प्लेकोडर्माई, ये पीसीज जो है आपको मत्स्य वर्ग बोलते हैं इसको, मछली वर्ग। ठीक है, पीसीज मतलब मत्स्य वर्ग। प्लेकोडर्माई जो होता है इसकी अभी कोई भी प्रजाति जीवित नहीं है, ये विलुप्त है। ठीक है, इनमें जबड़े पाए जाते थे,
और इनका कंकाल जो है अस्थियों का बना हुआ था, क्योंकि ये विलुप्त प्राणी हैं, इनमें जबड़ा था, इनमें कंकाल भी था, लेकिन कंकाल जो है अस्थियों का बना था। इनके जो जीव हैं प्लाइमेरियम, जीव का नाम है प्लाइमेरियम, ये विलुप्त जीव है, अब जो है इसकी कोई भी प्रजाति जीवित नहीं है। दूसरे प्रकार का जो वर्ग होता है प्लेकोडर्माई के पश्चात, दूसरा है आपका कॉन्ड्रिक्विथीज, कॉन्ड्रिक्विथीज जो होता है इसमें जो जंतु आते हैं, इनकी विशेषता कि इनका कंकाल जो है अस्थियों का बना हुआ था, अस्थियों का बना हुआ है, ये जीवित प्राणी हैं, इनकी जो वंश हैं जीवित हैं भी, कंकाल जो है अस्थियों का बना हुआ है, पूरे जीवन काल में नोटोकार्ड पाया जाता है, ठीक है, पूरे जीवन काल में जो है इनमें नोटोकार्ड पाई जाती है। इनमें जो गिल्स प्लेट होते हैं, ये गिल्स प्लेट जो है लगभग एक से लेकर पाँच तक की संख्या में होती हो सकती है, सल्की होते हैं, नासा छिद्र जो होता है ये मुंह में नहीं खुलता है, इनका जो नासा छिद्र होता है ये मुंह में ओपन नहीं होते हैं, और ये लगभग 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इस वर्ग के जो लंबे जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, ये लगभग 15 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं तो शार्क, शार्क मछली ने सुना होगा, है ना, शार्क है, स्कलेडान है, टॉरपीडो है, ये इसी वर्ग के जंतु हैं। टॉरपीडो एक समुद्री जीव है, समुद्री मछली है, इसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जो टॉरपीडो होता है कुछ इस प्रकार का जीव होता है, ऐसा शरीर के अग्रभाग पर दो सुषित आंखें होती हैं, इसी आंखें के आजू बाजू नीचे की ओर आजू बाजू जो होता है दो विद्युत उपकरण होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, दो विद्युत उपकरण होते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। इसको छूने से जो है एक प्रकार का करंट लगता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत रे मछली। इस उपकरण से जो है सामने जीव वाले जीव को जो है वो झटका देता है, इससे जो है करंट प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका इलेक्ट्रिक रे, या इसको टॉरपेडो भी कहते हैं, है ना, टॉरपेडो का नाम ही इलेक्ट्रिक रे है, इसको विद्युत मछली भी कहते हैं। तो ये जो मछली है आपका ये वर्ग कॉन्ड्रिक्विथीज के अंतर्गत आता है। तीसरे प्रकार का जो वर्ग है वर्ग ऑस्टिक्विथीज के अंतर्गत जो जीव आते हैं, इनका भी कंकाल जो है अस्थियों का बना होता है, अस्थि में कंकाल पाई जाती है, ये भी सल्की होते हैं, शरीर पर सल्क पाया जाता है। गिल्स जो होता है ये अपर कुलम, मुंह के अग्रभाग पर, उसको कहते हैं अपर कुलम, है ना, मुंह के अग्रभाग पर जो अपर कुलम होता है द्वारा ढका होता है, ठीक है, इनके जो गिल्स होता है ये अपर कुलम के द्वारा ढके होते हैं। नोटोकार्ड जो होता है इनका, जो प्रारंभिक अवस्था में जो नोटोकार्ड होता है, ये नोटोकार्ड जो होता है जब ये व्यस्त हो जाता है तब ये कशेरुक दंड में बदल जाता है। ये सामान्य मछली होते हैं
जीव जो होते हैं समुद्री भी हैं इसकी प्रजातियां, और कुछ जो प्रजाति होती है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो जीव होते हैं जैसे रोहू कतला सबने देखा है, आपने सब जानते हो भलीभांति, रोहू कतला एनाबस सिंगी जो मछली होती है, जो घोड़ा मछली होता है जिसको हॉर्स फिश कहते हैं, ये भी इसी वर्ग का जंतु है। घोड़ा मछली क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो मुख जो होता है वो घोड़े समान दिखता है, इस प्रकार का जीव होता है। ऐसा इनका शरीर होता है इस प्रकार से। ठीक है, और पूरा सल्की होता है ऐसा। ये समुद्री जीव है, ये समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका हॉर्स फिश या घोड़ा मछली, क्योंकि इसका जो मुख होता है ये घोड़े समान थूथन जो इस प्रकार से लंबी होती है, टेक्स पॉइंट है ना, घोड़े थूथन समान, इसलिए इसको बोलते हैं घोड़ा मछली या हॉर्स फिश। ये भी जो है ऑस्टिक्विथीज वर्ग का जंतु है। इसके पश्चात देखते हैं आपका कॉनिक्विथीज, तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का ये वर्ग कॉनिक्विथीज। कॉनिक्विथीज इस वर्ग के जंतु जो आते हैं, इस वर्ग के जंतुओं में नासा छिद्र जो होता है मुंह में खुलता है। ठीक है, इस वर्ग के जंतुओं के जो नासा छिद्र होता है बाहर की ओर, ये नासा छिद्र जो होता है ये अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। इनमें वाताशय, इसको हम बोलते हैं एयर ब्लाडर, वाताशय फेफड़ों में जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। इनके शुरुआत अवस्था में जो वाताशय होता है या एयर ब्लाडर जो होता है, ये बाद में जो है ये फेफड़ों में बदल जाते हैं। इनमें श्रेणी व अंश उपांग पाया जाता है, इसको हम अंश और श्रोणी बोलते हैं। ये आपका अंश है, ये आपका श्रोणी है ना, इसको हम जो अग्रभुजा होता है इसको हम अंश मेखला कहते हैं, और पश्च भुजा होता है उसको हमको श्रोणी मेखला कहते हैं। तो इसमें अंश और श्रोणी जो उपांग होते हैं इनमें पाया जाता है। शरीर जो है सल्की होता है, और ये एकलिंगी प्रकार के होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल जो जीव होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं। इसको कहते हैं आपका इस वर्ग में जीव जो आते हैं, जैसे आपका लेटिमेरिया, प्रोटेप्टेरस, लेटिमेरिया प्रोटेप्टेरस, ये इसी वर्ग के जंतु हैं। लैटिमेरिया प्रोटेप्टेरस जो होता है ये इसी वर्ग के जंतु हैं। ये जो जंतु है देखिए प्रोटेप्टेरस, इसको हम उड़न मछली भी कहते हैं। उड़न मछली, मछली है लेकिन ये उड़ता है। ठीक है, इसको उड़न मछली कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का होता है। इसके जो अंश पंख होते हैं ये काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो अंश पंख होता है ये बड़े होते हैं, और जो श्रोणी पंख होता है इसके आकार थोड़े छोटे होते हैं, छोटे रहते हैं। इस अंश पंख के द्वारा जो होता है ये जो मछली होता है ये कुछ दूरी तक जो है हवा में उड़ सकता है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि पूरा 100 मोड़ ऐसा नहीं है, ये कुछ समय के लिए या कुछ दूरी तक जो है ये, कुछ मीटर तक जो है ये हवा में उड़ सकता है। तो अपने अंश पंख के द्वारा ये हवा में कुछ मीटर तक ये उड़ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं उड़न मछली। किसको कहते हैं? प्रोटोप्टेरस को। ठीक है, प्रोटोप्टेरस जो होता है उड़न मछली के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि इसका अंश पंख जो होता है बड़ी होती है इसीलिए उड़ सकता है। ये जो जो मछली होता है, ये जो प्राणी है, ये जो है कॉनिक्यूथीज वर्ग का सदस्य है। तो इस प्रकार से हम अधिवर्ग या सुपर क्लास स्पीशीज को चार वर्ग में या चार क्लास में बांटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अध्ययन किए। कॉर्डेट्स को हमने दो समूह में, समूह एक्रेनेटा और संघ क्रेनेटा, समूह क्रेनेटा है ना, और दोनों का जो है उपसंग है संघ समूह एक्रेनेटा का दो उपसंग और समूह क्रेनेटा को दो उपसंग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे का जो वर्ग है इसका हम अगले कालखंड में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।